नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक ब्लॉग चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम आपको उत्तर प्रदेश यूपी रसड़ा का रेलवे स्टेशन दिखाने वाले हैं, कितना प्रोग्रेस किया है 2020 में और कितना डेवलप हो रहा है उत्तर प्रदेश यूपी का रेलवे स्टेशन रसड़ा, और क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपडेट, और कितना चेंजिंग हुआ है रसड़ा का रेलवे स्टेशन और क्या क्या नया बन रहा है। रेलवे स्टेशन के बारे में बता दूँ, रसड़ा रेलवे स्टेशन बलिया और मऊ के बीच में पड़ता है उत्तर प्रदेश यूपी में। और चलिए फिर, ये है आपका उत्तर प्रदेश यूपी का रसड़ा का रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन आपका बलिया और मऊ के बीच में पड़ता है उत्तर प्रदेश यूपी में रसड़ा का रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे देख सकते हो, ये रसड़ा का रेलवे स्टेशन का मेन गेट है, और ये देख सकते हो यहाँ पे बैठने उठने के लिए भी सुविधा बाहर में बना दिया गया है काफ़ी अच्छा। और यहाँ से आप जैसे, अब इधर मैं दिखा दूँ, ये मेन रोड है और मेन रोड पे ही वो मंदिर है सामने में देख सकते हो, और ये रसड़ा का आपका रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे दिव्यांगों के लिए भी टिकट घर बनाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हो दिव्यांगों के लिए भी रास्ता बनाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं, तो और देख सकते हैं ये टिकट घर है बाहर में, स्टील वगैरह लगाया गया लाइन टू लाइन, और यहाँ पर दिव्यांगों के लिए भी है टिकट घर, और यहाँ पे जिनके पैर अगर नहीं है और वहाँ से वो दिवांगों के लिए रास्ता बनाया गया है जो निकाला गया है। और ये आपका रसड़ा का रेलवे स्टेशन है देख सकते हो। और चलिए हम अभी अंदर की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे क्या क्या फैसिलिटी और कितना विकास हुआ है रसड़ा का रेलवे स्टेशन का 2020 में उत्तर प्रदेश यूपी का, और कितना डेवलप कर रहा है रसड़ा का रेलवे स्टेशन, और क्या क्या आपको यहाँ पर सुविधा देखने को मिल जाएगा, और कितना डेवलप हुआ है करेंगे दोस्तों। यहाँ पर डस्टबिन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर रसड़ा स्टेशन का आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आप अंदर टिकट वेंडिंग मशीन, इससे टिकट निकलता है, और ये रसड़ा का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ दीवार को भी टाइल्स वगैरह लगाएगा, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ट्रेन का समय सरणी है आप देख लीजिए। चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं, जैसे हम अंदर की तरफ आएंगे तो इधर देख सकते हो यहाँ पे स्टील का आपका लगा हुआ मिल जाएगा रेलिंग, और चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए हम रसड़ा के अंदर एंट्री करेंगे दोस्तों, रसड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर। तो देख सकते हो ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और ये काफ़ी मतलब लंबा में तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन चलिए और यहाँ पे दिखाते हैं। और देख सकते हो ये है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2, और वहाँ पे आपको नया बनाया जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2, और देख सकते हो अभी कार्य वहाँ पर चलेंगे आपको लेकर। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 को दिखा दे क्या क्या है आपको, तो देख सकते हो ये रसड़ा का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर चेयर वगैरह भी लगाया गया, सामने में आपको वेटिंग हॉल देखने को मिल जाएगा, और देख सकते हो डस्टबिन वगैरह रखा गया है, और यहाँ पर ये है आपका वेटिंग हॉल रसड़ा का रेलवे स्टेशन का। और अभी हमको लगता है कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है पेंटिंग वगैरह का, और टाइल्स वगैरह भी लगाया गया है, तो काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है और रसड़ा का रेलवे स्टेशन को। तो यही है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे ही आप देख सकते हैं लोगों का बैठने के लिए काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, और यहाँ पर चेयर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर छैया वगैरह भी, पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह भी आपको, और यहाँ पर आपको ये नल का देखने को मिल जाएगा। और चलिए अभी हम चलते हैं और आपको आगे एक तरफ दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और क्या क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे जो दिव्यांगों के लिए है कि यहाँ पे शौचालय भी बनाया गया, प्रसाधन और रसड़ा का रेलवे स्टेशन, और जस्ट नल के बगल में ही इसे जिन जो मतलब दिव्यांग लोग हैं उनके लिए टॉयलेट बनाया गया है, और वहाँ पर आपका जेंट्स लेडीज़ का टॉयलेट भी है आपका रसड़ा रेलवे स्टेशन पे दोस्तों। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जेंट्स लेडीज़ का भी टॉयलेट है और दिव्यांगों के लिए भी टॉयलेट है, और यही रसड़ा का रेलवे स्टेशन दोस्तों। और यहाँ तक है आपका, आपको यहाँ पे रेल आहार का देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे लगा हुआ है पानी के लिए, ठंडा गर्म पानी देगा नॉर्मल और ठंडा, और यहाँ पर आपको कैंटीन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और चलिए दिखाता हूँ आगे की तरफ, और ये आपका ब्रिज है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने के लिए, और ये रसड़ा का प्रोग्रेस, और ये ब्रिज आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ले जाएगा, और 2 नंबर प्लेटफॉर्म का कार्य चल रहा है, और पीने का पानी दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, मतलब ध्यान रखा गया है कि भाई पानी पी सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए आगे की तरफ लेकर चलते हैं, तो यही है दोस्तों रसड़ा का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1, और देख सकते हो, और वो रहा आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2, और काफ़ी मतलब बड़ा में है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को काफ़ी बड़ा किया जा रहा है, और दिखा रहा हूँ मैं आपको जूम करके देख सकते हो, और यहाँ पे ब्रिज वगैरह भी लगाया गया देख सकते हो घेर के अच्छा सब मतलब, और 1 को बहुत ही बड़ा बनाया गया है, और थोड़ा बहुत ही लंबा में है रसड़ा का उत्तर प्रदेश यूपी रसड़ा का रेलवे स्टेशन, और ये देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो आपका वहाँ तक गया है, और मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखा दे रहा हूँ,
देख सकते हो। और चलिए अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर टू पे चलेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर टू का प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम थे प्लेटफॉर्म नंबर वन पे और ये है आपका प्लेटफॉर्म नंबर टू, और प्लेटफॉर्म नंबर टू का जो है कि प्रोग्रेस आपका चल रहा है तेज़ी से और इसी का विकास किया जाएगा और इसी का आने वाले समय में आपको डेवलप देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर टू का रसड़ा उत्तर प्रदेश यूपी का रेलवे स्टेशन, और देख सकते हो यहाँ पर चेयर वगैरह भी लगाया गया और काफ़ी लंबा में है आपका रसड़ा का रेलवे स्टेशन, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इधर। और इधर से देख सकते हो आपका रसड़ा का रेलवे स्टेशन हम वहाँ तक गया है, उस जो आपका दिख रहा है बोर्ड नेम प्लेट लगा हुआ है रसड़ा का, वहाँ तक गया है। और यह है रसड़ा का रेलवे स्टेशन आपका उत्तर प्रदेश यूपी का प्लेटफॉर्म नंबर टू का, वो ब्रिज है जो प्लेटफॉर्म नंबर एक से दो पे और दो से एक पे लोग जा सकते आ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ, दो पे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको लाइटिंग का भी व्यवस्था देखने को मिल जाएगा जो रात वत में बहुत ज़्यादा रोशनी देगा दो नंबर प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सावधान कार्य प्रगति पे है और ये प्लेटफॉर्म नंबर टू, टू पे आपका हैंड पाइप भी देखने को मिल जाएगा और सप्लाई वाला भी, और यही है। तो चलिए फिर चलते हैं और आगे की तरफ आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर टू का प्रोग्रेस विकास दोस्तों। तो अभी हमको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को बनने में काफ़ी समय लगा, जैसे दो टू पे भी लगाया गया है दोस्तों। यही रसड़ा का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर टू, और जो आप देख रहे हो उतना ऊँचा किया गया है उधर उसको भी, और यहाँ भी ऊंचा किया जाएगा, इसको भी इतना ऊंचा किया जाएगा और फर्श को बनाया जाएगा। तो यही है रसड़ा का रेलवे स्टेशन, एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ सही से देख लीजिए। प्लेटफॉर्म नंबर वन वो बाहर जाने का रास्ता है सामने में, और यही है आपका रसड़ा का रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर टू से प्लेटफॉर्म नंबर वन पर जाने के लिए, वन से टू पर आने के लिए दोस्तों यही है प्रोग्रेस रसड़ा का रेलवे स्टेशन का। रसड़ा रेलवे स्टेशन पर आपको समय सरणी देखने को मिल जाएगा गाड़ियों का, यहाँ से अप और डाउन आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से आपको कौन कौन सी गाड़ियाँ मिलेगी कहाँ कहाँ के लिए जाने के लिए। सुझाव तक और चेयर एंड टीचर स्टेशन मास्टर कक्ष में उपलब्ध है, हेल्पलाइन सहायता के लिए, पुलिस सहायता के लिए बनाया गया। तो ग्रेस कर रसड़ा का रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश यूपी का, ये रेलवे स्टेशन आपको बलिया और मऊ के बीच में पड़ता है और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है रसड़ा का रेलवे स्टेशन का, और आने वाले समय में और डेवलप आपको देखने को मिलेगा। और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक शेयर कमेंट, और आप कमेंट करके बताइएगा आपको कहाँ का रेलवे स्टेशन देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।